हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वीनस की अक्टूबर 2020 की रीडिंग, के आपकी लव, कैरियर, हेल्थ, फैमिली, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूँ मैं थ्रू टैरोट कार्ड्स। ओके, तो आप जो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं अपना सन मून राइजिंग वीनस चेक कर लीजिए, और उसी के दौरान अगर उसमें कैप्रिकॉर्न आता है तो इस रीडिंग को देखिए। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो अब देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वीनस जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में इस मंथ में क्या होने वाला है, मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ आपके लिए, क्या चेंज आ सकता है, क्या आपकी लाइफ में इस मंथ होने वाला है, लव में, कैरियर में, फैमिली में, हेल्थ में। वी हैव द स्ट्रेंथ, तो हो सकता है आप लियो के साथ डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या निकलता है। सो वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स, द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मेट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, और हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे मून भी है, कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो या पाइसिस भी हो सकता है। फिर हमारे पास हर्मेट है, विर्गो, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, विर्गो है यहाँ पे ऑलरेडी। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, तो एक्वेरियस या लिब्रा हो सकते हैं या जेमिनी। वाटर में हमारे पास कैंसर भी है, पाइसिस भी है, स्कॉर्पियो भी है। आपका वाटर साइन मून हो सकता है, या वाटर साइन जिसके आप कनेक्ट कर रहे हैं उनका वाटर मून साइन हो सकता है। स्ट्रेंथ यहाँ पे लियो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर सबसे पहले मैं आप लोगों की, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लवर्स हैं, या आप सिंगल भी हैं, लव की मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप में, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त एट ऑफ सोर्ड्स और द हर्मेट, आप लोग काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं इस वक्त, ठीक है, और आप बहुत ही हिम्मत से, सब्र से वेट कर रहे हैं उस इंसान का जो आपकी लाइफ में आएगा। आप वेट कर रहे हैं अपने लवर का, सोलमेट का, ट्रू लव का। आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई आए जिससे आप शादी करें, जिससे आपका रिलेशनशिप बढ़े। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से, आपकी एज हो सकती है 30, 40, 50, तो आप काफ़ी अरसे से सिंगल हैं, डिटैच हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स और हर्मेट, कैप्रिकॉर्न, आपने सारी ज़िंदगी शायद मेहनत की है, या आप सारी ज़िंदगी डिटैच रहे हैं, आपने कभी ये ट्रू लव फील नहीं किया है, ठीक है। आप चाहते हैं अब आपकी लाइफ में कोई आए। अगर आप मैन हैं तो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई वुमेन आए, और अगर आप वुमेन हैं तो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई मैन आए, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपकी ये जो विश है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आप ड्रीम कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मून, दिस टू ऑफ कप्स। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए लवर जिसके साथ आपकी, आपको रिलेशनशिप बढ़ा सकें, आप फैमिली बना सकें, फैमिली क्रिएट कर सकें, ये लव फील कर सकें, बच्चे हों, घर हो। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं इस वक्त, ओके, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपका फोकस शायद अपने मनी पे है हमेशा, जैसे अर्थ साइंस का होता है, स्पेशली कैप्रिकॉर्न का, फाइनेंसिस पे, घर पे, जिम्मेदारियों पे, ऑफिस पे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इस तरह की लाइफ हो सकती है आपकी, या फ्रेंड्स के साथ, ओके। अब आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में कोई लवर आए, या रिलेशनशिप हो आपका किसी के साथ। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं डाइवोर्स्ड हैं, रिलेशनशिप्स आपने पहले, अगर आपकी शादी हुई थी, या रिलेशनशिप में कमिटेड थे किसी के साथ, या किसी के साथ लव भी किया था तो वो सही तरीके से चला नहीं, तो आप हो सकता है इस वक्त सिंगल हैं और डिटैच हैं इमोशनली, आप डिटैच हैं आप लोग इस वक्त, अगर मैं बात करूं तो। और जो लोग डेट कर रहे हैं, तो आपका ये जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा डेटिंग में गुजरेगा, बाहर जाना, घूमना फिरना, ठीक है। आपका पार्टनर आपको, हो सकता है कि कोई गिफ्ट भी दे आपको, उनकी मदर से भी आप मिल सकती हैं, ठीक है, इस मंथ ये भी हो सकता है, या वो आपको अपनी मदर से मिलवाएंगे, ये भी चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर मैरिड हैं तो इस मंथ स्ट्रेंथ और मून कार्ड, ये हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल फील करें अपने पार्टनर की तरफ, ओके, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और सेक्सुअल फील करें, ठीक है। कुछ लोग, हो सकता है प्रेगनेंसी भी आपको हो सकती है, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक, आप डिसाइड करो कि आप बच्चे होने चाहिए फैमिली में, या एक है तो दो हैं तो और ज़्यादा होने चाहिए, इस तरह की फीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। लव की मैं बात करें, रिलेशनशिप्स के, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उनकी मदर नहीं मान रही, या आपकी मदर नहीं मान रही, तो इस तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब यह है, बी पेशेंट, ओके, आपने स्ट्रांग रहना है इस लव के लिए। कुछ लोगों के लिए रियूनियन भी हो सकती है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ कप्स, ऐसे लोगों की जो इस वक्त सेपरेशन में हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है, एट ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों का बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तो रियूनियन हो सकती है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इस मंथ, ओके। द मून, हो सकता है आप इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हैं, या आपका बहुत साइकिक कनेक्शन है इस इंसान के साथ, ओके, काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, लेकिन ये इंसान हो सकता है डिटैच है, ये इंसान आपसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहा, कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है, या आप कांटेक्ट में नहीं हो इस इंसान से, आपको बिल्कुल पता नहीं ये इंसान कहाँ गायब हो गया, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा,
ये इंसान आपको वर्क रिलेटेड भी है, हो सकता है वर्क से जानते हो आप, एक दूसरे के कोवर्कर्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब आप दोनों को, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस इंसान का, जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त फोकस है अपने फाइनेंसिस पे, जब उनके फाइनेंसिस ठीक हो जाएंगे तो वो आपके साथ इस लव यूनियन में आएंगे। ओके, अब मैं हेल्थ की बात करूं तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पे मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। आपकी मदर बीमार हो सकती हैं, या आप खुद बीमार होंगे, या आपको, अगर आप फेमिनिन हैं तो आपको कोई फेमिनिन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फीमेल्स को की प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज़ होता है, तो वो आपका कोई अपना फीमेल वाला जो इश्यूज़ होगा वो होगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको डेफिनेटली हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाना होगा। स्ट्रेंथ तो वो रिकवरी हो सकती है अगर आप उसको सही टाइम पर या सही तौर पर रिकवर करेंगे। डेफिनेटली सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक बैलेंस। ओके, सर्विस। और अगर मैं हेल्थ, अगर मैं फ्रेंडशिप्स की बात करूं तो इस मंथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, या किसी नए इंसान से भी मिलना हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मंथ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फाइनेंशियली। और अगर आपके फाइनेंशियली अच्छा नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग फैमिली बिजनेस में भी हैं, या फैमिली का कोई काम भी कर रहे हैं, या आप हो सकता है एग्रीकल्चर में हैं, या कुछ तरह का अपना आपका लैंड हो सकता है, उस पर आप प्रॉपर्टी का वर्क हो सकता है, उस पर करते होंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है। और अगर जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो उनके लिए अच्छा मंथ है ये बिज़नेस डीलिंग के लिए, किसी के साथ आपको फाइनेंशियली बिज़नेस अच्छा मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस मैन हैं या वुमेन हैं तो काफ़ी अच्छा मंथ है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस माइंडेड है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, या जो भी आपको डिसीजन लेना है अपने वर्क को लेके, कैरियर को लेके, या फैमिली के डिसीजन लेने हैं आपने, जो भी करना है आपने, या अगर बिजनेस डील भी करनी है किसी के साथ, या आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नज़र नहीं आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग वरिड हैं अपने फ्यूचर को लेके। हमारे पास है डिसेप्शन, तो जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, डिसेप्शन। डेफिनेटली ये इंसान बिल्कुल कांटेक्ट में है ही नहीं आपसे, किंग ऑफ सोर्ड्स, नो कांटेक्ट, या हो सकता है बिल्कुल भी आपको सही तरीके से बता नहीं रहा ये इंसान के क्या चाहता है। केमिस्ट्री, आप दोनों के दरमियान में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे से, लव करते हैं, या अगर ये इंसान करता भी है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। कैप्रिकॉन, वेरी सून आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, पार्टनर आने वाला है लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। ओके, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ, आप बी पॉजिटिव। ओके, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी पार्टनर के साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि केमिस्ट्री आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐसा पार्टनर आने वाला है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आई नो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने फ्यूचर को लेके। हमारे पास है पीस, लेकिन आपको डेफिनेटली पीस मिलेगा और आपको इस वक्त अपने पीस पे फोकस करना चाहिए। अगर किसी तरह की भी परेशानी है, वरी, बिल्कुल आप लोग में से काफ़ी सारे लोग वरिड हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, आपको पीस मिलेगा, प्लीज़ अपने पीस पे फोकस कीजिए। एडवर्सिटी, और फिर हमारे पास है अबंडेंस। बिल्कुल, इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोगों की जॉब नहीं है, आप एडवर्सिटी से गुजर रहे हो, चाहे वो लव में एडवर्सिटी है, जो जिस तरह का आपको लव चाहिए था वो नहीं मिला, या जिस तरह का वर्क आपको चाहिए था नहीं मिला, जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए था नहीं मिला, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिसिंग है लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स आपको एक किस्म का गॉड की तरफ से यहाँ पे एक किस्म का होप दिया जा रहा है, एक किस्म का मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में पीस और अबंडेंस ज़रूर आएगा अगर आप स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप पॉजिटिव रहोगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके, लाइफ को लेके, या सक्सेस को लेके। ठीक है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो एक मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, इन द नियर फ्यूचर। ओके, ये आपका मैसेज है गॉड की तरफ से, बिल्कुल आपकी लाइफ में ये अबंडेंस, ये सक्सेस, ये पीस आपको मिलेगा, और लव जो भी आपको चाहिए, बट इन द नियर फ्यूचर। तो हो सकता है आपकी लाइफ में डिले है, आप वैसे ही नेचुरली रूल्ड बाय सैटर्न हैं, तो सैटर्न इज़ द लेसन, सैटर्न टीच अस लॉट ऑफ लेसन, डिले, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें मिलेंगी लेकिन वक्त के साथ। बी पेशेंट, बी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको सैटर्न देगा, रिटर्न करेगा, लेकिन आप जितना ही नेगेटिव सोचोगे, एडवर्सिटी में रहोगे और आपने आपको नेगेटिव रखोगे, तो आपको लाइफ में उतना ही नेगेटिविटी होगी। सो प्लीज़ ट्राई टू काम डाउन, पीस एंड अबंडेंस और
बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी लेकिन फ्यूचर में, तो थोड़ी सा डिले है चीज़ों में, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कुछ लोगों को अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको बी पॉजिटिव फॉर द फ्यूचर, ओके। तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है और सेफ है, आपको डेफिनेटली पीस और अबंडेंस अपने हिस्से की, अपने किस्मत की मिलेगी, बी पॉजिटिव, ओके। तो यह आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में।